नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं JMC & JM के गोट फार्म जो कि किशनगढ़ में है। और किशनगढ़ में आप देखेंगे कि सामने ये हाईवे दिख रहा है और हाईवे से बिल्कुल जस्ट नज़दीक ही ये फार्म है और यहाँ पर सभी प्रकार की बकरियाँ जो हैं वो मिलती हैं। हम दिखाएंगे भी इस वीडियो में आपको। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं ओनर से और इनके फार्म के बारे में जानते हैं और ब्रीड के बारे में जानते हैं। तो भाई स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म के बारे में बताइए। भैया अपना फार्म पड़ेगा राजस्थान अजमेर किशनगढ़ में, अपना फार्म पड़ेगा जो अजमेर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है या नया बस स्टैंड के पास में किशनगढ़। हाँ। में वैसे किशनगढ़ तो लोग जानते हैं, एग्जैक्ट किशनगढ़ से किस तरफ आना होगा? किशनगढ़ तो न्यू बस स्टैंड के आना है, जस्ट आधा दो मिनट का रास्ता है अपने फार्म का। बिल्कुल हाईवे नज़दीक है अपने फार्म से। तो अभी कौन कौन सी बकरियाँ या ब्रीड हैं आपके पास? अपने पास अभी सिरोही हो गई, गुजरी है, बड़े हेवी वेट वाले बच्चे भी है, कुछ बर्बरी बच्चे हैं, कुछ बकरी है जो अपने फार्म के अंदर है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। चलो दिखाते हैं अपने फार्म पे बकरियां, दिखा देता हूँ। अभी ये नस्ल के अपने पास बकरे हैं जो सिरोही हो गई, गुजरी हो गई, कुछ बकरियां भी है, कुछ बड़े बकरे हैं। तो देखो भैया दिखाता हूँ आपको, ये कोटा नस्ल का बकरा है जो अभी दो दांत के अंदर बच्चा है। ये दो ही दांत पे बच्चा है अभी। हाइट होगी इसकी 39-40 के लगभग हाइट है इसकी। आप इसके दांत दिखाएंगे भाई? भैया थोड़ा ये बदमाशी ज़्यादा करता है। हाँ ये देखो भैया ज़्यादा हो गया सर, चार दांत पे है। चार दांत, ये देखो बहुत बढ़िया कोटा नस्ल का है ये। क्या डिमांड रहती है आपके यहाँ पर इस नस्ल की? अपना क्या है, ट्रेडिंग का काम है, ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं। तो जैसी डिमांड रहती है तो उसी के हिसाब से हम माल रेडी करते हैं। अभी मेरे पास एक कोटा का ऑर्डर है, कोटा हो गया, गुजरी हो गया, सिरोही बच्चे का, गुजर हेवी वेट वाले बच्चे का भी ऑर्डर है। तो वो माल अभी मेरे पास रेडी हो रहा है फार्म पे, तो जैसी डिमांड के हिसाब से ही रेडी करते हैं, उसी के हिसाब से निकाल देते हैं। चलिए जैसे यहाँ ये अभी देखो सिरोही नस्ल के बच्चे है अभी। ये देखो सिरोही नस्ल का बच्चा है, ये 3.5 महीने का बच्चा अभी। बिल्कुल ये प्योर वजन पे होगा। हाँ भैया क्या वजन पे होगा भाई ये? अपने 18 kg के लगभग। 18 kg? हाँ भैया 18 kg के लगभग। क्या उम्र पे है? 3 महीने? 3.5 महीने का बच्चा है अभी। बहुत बढ़िया प्योर सिरोही है। ये गुजरी दिखा देता हूँ, ये गुजरी है, ये 5 महीने का बच्चा है। सब फार्मिंग वाले ना? सब फार्मिंग पालने के लिए। ये जो बच्चे 5 महीने से ऊपर के बच्चे हैं ना, ये नेक्स्ट कुर्बानी में तैयार होने के लिए जाएंगे सब भाई, 5 महीने के ऊपर के जो नेक्स्ट कुर्बानी में। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये देखिए, ये सिरोही नस्ल की पट्टी है। फीमेल है ये सिरोही नस्ल। बहुत बेहतरीन। ये भी 4-5 महीने की पट्टा है। इसका क्या वजन होगा? ये भी अपने 22 kg के लगभग। 20-22 kg के लगभग। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये दिखा देता हूँ भैया, ये अपने हेवी वेट वाले जो, ये भी कुछ पार्टियों की डिमांड रहती है कि अपने बड़े बकरे ले जाके पाल सकते हैं नेक्स्ट कुर्बानी के लिए 2023 के लिए। ये क्या दांत में है भाई अपने पास? ये अभी सभी बकरे तो दो दांत है। बिल्कुल ये देख सकते हो भैया, 2 दांत बच्चा है इसकी। जो हाइट भी 40 होगी, गुजरी नस्ल का बच्चा है। और अभी ये कस्सी बकरा है। कस्सी है। बहुत बेहतरीन। पार्टी की डिमांड है कि भाई इसको इतना 60-65 kg का ले जाके और भारी बनाया जाए नेक्स्ट कुर्बानी के लिए। मतलब उसको टारगेट रखते हैं ना? टारगेट है कि उनका 60-65 का मेरे से ले जाके 100 के बाहर का टारगेट। अच्छा, कि उसको 100 के बाहर बनाया जाए बकरे को। बहुत बढ़िया, आपने अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। हाँ भैया दिखाना चाहूँगा इसमें। ये इधर देखो, इन अंदर भी है कुछ बकरे। चलिए इसमें कुछ गुजरी नस्ल के बकरे हैं। जैसे ये जो आपने पकड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा मुझे बताइए ये कितने? ये गुजरी नस्ल का बच्चा है भैया, ये देखो 4 दांत बच्चा है। अभी 16 महीने का बच्चा है। बॉडी वेट 70 kg के लगभग इनका बॉडी वेट है। बहुत बेहतरीन। ये अपने रेड कलर में आ गया कुछ। अंडूल है कि? अंडू है भैया, अभी उनको कस्सी करवाना पड़ेगा। जैसे ये वाला बकरा है, ये थोड़ा सा बताएं। ये देखो भैया, ये भी गुजरी में आ गया, बोले रेड में आ गया। ये रेड में है ना?
डार्क जो अपन चॉकलेट कलर बोलते हैं, चॉकलेटी कलर में आ गया। चॉकलेटी कलर बहुत बढ़िया। क्या हाइट होगी इसकी लगभग? इसकी हाइट अभी 37 के लगभग हाइट है। 37-38 बिल्कुल। अभी ये दिखा देता हूँ, इसकी हाइट तो 40 के बाहर होगी। बाकी नया बकरा है, ये भी 75 केजी के लगभग के बकरा है ये भी। ये देखो भैया, बहुत बेहतरीन। ये 75 केजी का है। अब देखिए, चार दांत के अंदर बच्चा है। देखो भैया, पूरा फ्रेम कवर कर रहा है, चार दांत में बच्चा है। जो 2023 की कुर्बानी में तैयार होंगे ये बच्चे। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। इसका फ्रेम आप देखे, सींग देखिए, उसका कलर देखिए। बच्चे जैसी पार्टी की डिमांड थी ना, वैसा माल रेडी किया मैंने पार्टी की चॉइस के साथ। यूनिक मुझे इस बकरे में लग रही है उसकी जो पूंछ है, आप देखिए मुंह के जैसा ही कलर उसकी पूंछ का आया है, जो उसे यूनिक बना रही है। सेम है। देखो गुजरी में क्या है, अगर चारों पैर व्हाइट आएंगे, बाकी पूंछ व्हाइट आएगी, मुंह व्हाइट आएगा पूरा। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। अरे ये कोटा आ गया, बहुत शैतानी कर रहा है ये। देखो ये कोटा में आ गया, ये प्योर व्हाइट। क्यों पार्टी बोलती है मेरे को कोटा में? एक तो ब्लैक भी आता है, जो वो करोली आ जाती है, ये व्हाइट में है, प्योर व्हाइट। ये अंडू रह गए ना, शैतानी कर दे, इनको कस्सी करवाना पड़ेगा। ये कितने दांत से है कोटा का? ये भी 2 दांत या 4 दांत में होगा। 2 दांत बच्चा है। देखो 2 दांत अभी निकाला है, 15 महीने ही बच्चा हो गया। बहुत बेहतरीन सब। अब बहुत एग्रेसिव है। एक ये रहा कोटा, ये गुजरी कोटा में आ गया। गुजरी कोटा ना? हाँ भैया बिल्कुल। शैतानी बहुत कर रहे हैं। ये गुजरी में आ गया बिल्कुल। तो भाई जैसे ये इतने एग्रेसिव हैं, तो किस उम्र में आप इन्हें पंच करेंगे? क्योंकि अभी कर देंगे इनको, क्योंकि अभी क्या है हमारे अपने राजस्थान में ऐसा है कि 10 महीने 12 महीने 14 महीने को कस्सी करते हैं ना, उससे क्या होता है कि बकरे की जितनी हाइट बढ़ने की है ना, वो बढ़ जाएगी। अब बाकी छोटे 4-5 महीने को अपन कस्सी कर देते हैं, तो वो हाइट थोड़ी छोटी रह जाती है, हाइट थोड़ी छोटी रह जाती है। तो अभी देख सकते हो आप लंबाई चौड़ाई सभी बकरों में है। हाँ। तो अभी कस्सी करवाएंगे तो फिर जाके बकरा भरेगा, जब सोख के बाहर जाएगा बकरा ये। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एक आपके दिमाग में भी टारगेट रहता होगा ना, जब आप रखते हैं या पालते हैं, कि भाई मुझे 60-70 किलो का बकरा देना है, या मैं खुद अपने पास लेकर जाता हूँ। तो ये जो बकरे आप दिखा रहे हैं, कितना वजन बना लेते हैं ये? देखो अभी मेरे पास है अभी 60-65-70 केजी के बकरे हैं। ये अभी अपने 10 महीने रह गए 2023 के। कम से कम ये बकरे बनाएंगे 120-130 केजी तक के बकरे बनेंगे। 120-130? हाँ। अभी मेरे पास 25,000 का बकरा है, तो ये 130 केजी के बकरा कम से कम आज नॉर्मल 70-80 हज़ार या लाख रुपए का बिकता है। 100 के बाहर क्या अनमोल रेट हो जाती है बकरों की। तो इनका क्या रेट रखा आपने, जैसे गुजरी है कोटा? अभी है। इनका रेट देखो 350 रुपये केजी के हिसाब से है। 350 रुपये केजी के हिसाब? हाँ भैया बिल्कुल। जितना भी लेना चाहे ऑर्डर, आज जितना भी है, अपना एक दो पीस का काम नहीं है, अपना पूरा क्वांटिटी में डील करते हैं। कम से कम 20 बकरे तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अपन बाहर बेचते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ले जाने में खर्चा वर्चा सब पार्टी का रहता है। अपनी ये रेट है जो फार्म की रेट है। चलिए अब आपके कुछ और भी, जैसे मुझे बर्बरी और सिरोही बकरियां दिख रहे हैं, उनको दिखाता हूँ भैया। बर्बरी भी है अपने पास, कुछ बकरियां बर्बरी, इधर बर्बरी ने मैंने अलग शिफ्ट कर रखा हूँ। ये देखिए इनके बर्बरी का सेक्शन है, आपको दिखाते हैं ये। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये किस बेल्ट की बर्बरी है, क्योंकि बर्बरी यहाँ पर राजस्थान में हनुमानगढ़ बेल्ट से भी आती है। ये यूपी की नस्ल की, यूपी साइड की नस्ल की बकरी है भैया, ब्रीड है ये, यूपी साइड वाली है ये। हाँ भैया, ये अभी गाभिन बकरी है। तो कितने दिनों की गाभिन हो गई है? ये अभी 1.5-2 महीने में बच्चा दे देगी भैया। 3-3.5 महीने में गाभिन बकरी है। बिल्कुल, आप अडर साइज देख सकते हैं, बर्बरी हाइट में छोटी होती है, आपको ही पता है। और तीन, ये देखो उसी की बेटी है, इसी बकरी की बेटी है ये। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। बाकी ये ब्रीडर है मेरे पास। देखो कितने दांत में है भाई ये? अभी 6 दांत के अंदर है। 6 दांत पे मुंडा। बाकी ये अब की साल में निकाल दूंगा इस बकरे को कुर्बानी के लिए। ये 2 ब्रीडर वापस तैयार कर रहा हूँ मैं।
ये दोनों? हाँ, मेरे फार्म के लिए दोनों आपस में ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ। तो इसको पकड़िए, बहुत प्यारा लग रहा है। ये दोनों ब्रीडर में तैयार कर रहा हूँ मेरे फार्म के लिए। कितने दांत पे है ये? दांत तो अभी अदंत होगा मेरे हिसाब से। ये देखो अदंत बच्चे अभी। ये दोनों बच्चे मेरे फार्म के लिए ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ये देखो बहुत बढ़िया। तो आपके पास कितने दिनों से हैं ये? मेरे पास ये 4-5 महीने से हो गया, उस ब्रीडर को साल भर से ज्यादा हो गया। अब शौक, ये शौक है आपको बरबरी का? बाकी जैसे डिमांड करते हैं तो उसी के हिसाब से रेडी भी कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग का काम है, सेलिंग का काम है, डिमांड के हिसाब से रेडी करते हैं। पर जिस जो चीज़ आपके यहाँ पर मिली है ना, जैसे मैं कोटा भी देख रहा हूँ, गुजरी भी देख रहा हूँ, शौक सबसे लगते हैं। हमारे पास बिल्ली भी है, अभी केचुए भी है, बरबरी भी रखे हैं। तो वाकई मुझे पहली बार ऐसा देख रहा हूँ मैं कि भले वो 4-4 या 6-6 पीस ही आपने रखे हुए हैं, पर ये हैं, आप देख सकते हैं 3-6 पीस हैं इनके पास बरबरी। इनके बच्चे तो भी है मेरे पास बाहर है, वो बच्चे बरबरी के। बरबरी के? हाँ, छोटे बच्चे भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बहुत बेहतरीन। ये मुंडा बकरा जिसे हम टेडी कहते हैं, ये अक्सर ऐसे बकरे जो हैं वो हनुमानगढ़ बेल्ट में पाए जाते हैं। चलिए भाई, तो कुछ बकरियां हैं उनके, जैसे अब मैं इसी के रेट के बारे में जानना चाहूँगा, इसका रेट मुझे थोड़ा सा बताएं ना। बरबरी भैया, बरबरी का भी 350 रुपये के जी है। 350 रुपये के जी? बाकी अपने मैं अलग अलग वेराइटी में डील करता हूँ, जैसे सिरोही हो गई, गुजरी हो गई, अजमेरी हो गई, तोतापुरी, बिट्टल, बरबरी, कोटा, करौली, ये सब ब्रीड में मैं डील करता हूँ। सब मिल जाएगी? सभी मिल जाएगी अपने पास, सभी प्रकार की नस्ल उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, और रेट भी आपने बताया। आपकी सिरोही बकरियां देख लेते हैं। हाँ भैया, दिखाता हूँ सिरोही नस्ल की, तो वो देखिए, फिर अपन इनसे फाइनल ट्रांसपोर्ट वगैरह के बारे में भी अपन बात करेंगे। ये इधर सिरोही नस्ल की बकरी है मेरे पास। अभी मैंने क्या, अभी 1-2 दिन पहले सेलिंग कर दिया था बकरियों की, किसी की डिमांड थी, तो मेरे पास अभी ये 2-3 बकरियां बची हुई है। 2-3 ही फीमेल है पर बहुत अच्छी? हाँ, 3 फीमेल बची अभी। ये तीनों की मुझे थोड़ा सा एज बताएंगे, क्या एज पे होंगी ये? ये अभी 18 महीने की बकरी है, 18 महीने 20 महीने की। 18 से 20 महीने सेकंड बार बच्चे देने वाले। सेकंड बार? क्या बॉडी वेट है भाई इनका? बॉडी वेट है अपने 45-50 केजी के लगभग। 45 से 50 केजी? ये अभी गुजरी नस्ल की आ गई, इसका बॉडी वेट अपने 55 केजी के लगभग होगा। 55? ये भी ग्यावन है बकरी। बहुत बढ़िया। ये उसमें आ गया डार्क में, चॉकलेटी कलर में आ गई। रेट क्या रखा है आपने इनका? रेट 250 रुपये के जी के हिसाब से। और जैसे इनके जो अभी अपन ने जो छोटे बच्चे देखे थे वीडियो के शुरू में ही, हाँ भैया, उसमें भी मिक्स थी, मेल फीमेल मिक्स थी उनका? नहीं, मेल का थोड़ा रेट हाई लगेगा, 280 रुपये के जी के हिसाब से। फीमेल 250 रुपये के जी। बाकी पार्टी की जैसी डिमांड रहेगी ना, उसके चॉइस के हिसाब से भी रेट लगा लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो वो पार्टी को माल कैसा चाहिए, माल 300 रुपये के जी वाला भी आता है, 250 वाला भी माल आता है, 230 वाला माल भी मिलता है अपने पास, पर पार्टी की चॉइस के हिसाब से माल रेट लगती है। नहीं तो फार्मिंग के लिए क्या प्रेफर करना चाहिए आप? फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट तो 250 रुपये के जी लगेगा, क्वालिटी जैसी पार्टी बोलती है उसी के हिसाब से माल रेडी होता है। जो कि किसान इसमें आ रहा है या नए लोग आ रहे हैं, तो वो देखते हैं कि यार मेरा बजट भी उसमें बैठे, और बजट के हिसाब से तो ये है कि छोटी पट्टियाँ लेना पड़ता है अपने को 5-6 महीने की। नहीं नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि 230 से लेके मुझे मेरे पास 300 तक। हाँ, वो उसमें क्या है कि अपने को जैसे कम बजट वाली बकरी लेना चाहते हो, जैसे 40 किलो 45 किलो, वो नई बकरी आएगी फर्स्ट बार बच्चे देने वाली, उसका बॉडी वेट 40 से लेके 45 केजी आता है, तो अपने को 10-11 हज़ार में वो बकरी मिल जाती है बच्चे देने वाली। अब बाकी हेवी वेट वाली जो 2 बच्चे लेने वाले हैं, वो 13-14 हज़ार से कम नहीं मिलेगी अपने को। अच्छा, वैसा है। चलिए, और अगर उसमें और क्वालिटी चाहते हैं लोग, तो थोड़ा सा पैसा, बाकी वो सब गुंजाइश हो जाएगा, बाकी हम वो बता देंगे अपन फोन पे वोन पे। बच्चों का भी रेट आपने जाना, बकरियों का भी रेट आपने जाना, बकरों का भी रेट आपने जाना कि क्या रेट पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।